सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे असम यूनिवर्सिटी के नॉन सी बी सी स्टूडेंट्स के बारे में क्योंकि उनको लेके कोई बात ही नहीं कर रहा है और उनके ऊपर जो जा रहा है उनके एग्जामिनेशन को लेके जो चल रहा है और उनका जो करियर बर्बाद होने जा रहा है इतना टाइम उनका वेस्टिंग हो रहा है लेकिन उन्हें लेके कोई सपोर्ट ही नहीं करता है और उन्हें लेके कोई बात ही नहीं करता है तो हमारे आसाम यूनिवर्सिटी के तरफ से जो कि जून महीने के फर्स्ट वीक में जो नोटिस दी गई थी तो हमें लग रहा था कि जुलाई फर्स्ट वीक तक शायद एक इंफॉर्मेशन आ, आ सकती है नॉन सीबीसीएस के एग्जाम रिलेटेड क्योंकि जून थर्टी तक जितने भी टी के एफिलियटेड कॉलेजेस थे तो सारे के समर वेकेशन चल रहे थे तो उस नोटिस में जैसे लिखे गए थे नॉन एग्जामिनेशन के लिए एक कॉमिटी फॉर्म की गई है तो लग रहा था कि जुलाई फर्स्ट वीक तक उस कॉमिटी की तरफ से कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्स आ सकती है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स अभी तक कन्फ्यूजन में है क्या उनके एग्जामिनेशन होंगे या एग्जामिनेशन नहीं होंगे लास्ट ईयर भी उनका ऐसे करके महीना बर्बाद गया जो कि मई महीने में एग्जामिनेशन होने वाले थे और सितंबर में जाके एग्जामिनेशन लिए गए। इस साल की भी जो एग्जामिनेशन थे ऑलमोस्ट मार्च महीने के अंदर उनके होने वाले थे मई में, में फिर शिफ्टिंग की गई मई में, में भी एग्जामिनेशन नहीं हुए लेकिन अभी तक उसकी कोई ही नहीं आए और आसाम में जैसे कोविड के सिचुएशन चल रहा है मुझे नहीं लगता है कि अगस्त तक हेल्थ डिपार्टमेंट कोई भी परमिशन देके कोई ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के तो क्या ऐसे करके हम लोग उनके करियर क्या बर्बाद करेंगे और कितना उनका टाइम वेस्टिंग करेंगे तो यूनिवर्सिटी को सोचना पड़ेगा अगर डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी जो उनके एग्जामिनेशन है बैक पेपर्स के जो नॉन सीबीसी के एग्जामिनेशन अगर वो लोग ओपन बुक सिस्टम में ले सकते हैं तो असम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ले सकते ओपन बुक सिस्टम हमारे पास है ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारे पास है लास्ट ईयर भी सेप्टेम्बर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मोड दिया गया है तो क्यों ना अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर ले लेते स्टूडेंट्स लोगों कम से कम उनका टाइम तो बर्बाद नहीं होगा छह महीना उनका आसपास उनका बर्बाद हो चुका है और अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन में पीछे पड़े रहेंगे तो सेप्टेम्बर अक्टूबर से पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने के चांसेस नहीं है तो यूनिवर्सिटी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा जो कमेटी गठन की गई कमेटी को सोचना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूजन में

तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे आसाम यूनिवर्सिटी से जल्द से जल्द आप लोग कुछ डिसीजन लाए कमेटी जो फॉर्म की गई है जल्द से जल्द कमिटी डिसीजन लाए ताकि बच्चे लोग ऐसे कंफ्यूजन में ना रहे सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी